अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्थी और लो फैट रेसिपी, रोस्टेड मेडिटेरेनियन वेजिटेबल्स और ग्रिल्ड चिकन स्टेक। तो चलिए पहले वेजिटेबल को सीजन कर लेते हैं। करने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून डाल देंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, 2 टेबलस्पून डालेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करके रख देंगे साइड पे। यहाँ पे हमारे पास 4 चिकन ब्रेस्ट हैं, इनको वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इसको मैरिनेट करेंगे इन मसालों के साथ। ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, एक टीस्पून नमक है और 1 टेबलस्पून लेमन जूस है और 2 टेबलस्पून डालेंगे सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है हमारे पास। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है 1 टेबलस्पून, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अवन को हमने 160 डिग्रीज पे प्री हीट कर लिया है। अब वेजिटेबल को फॉइल लगाकर 45 मिनट्स के लिए अवन में रखेंगे। 45 मिनट्स के लिए रखेंगे अवन में। वेजिटेबल को ओवन में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम चिकन को ग्रिल करेंगे। ग्रिल को प्री हीट किया हुआ है, बिल्कुल स्लो आंच पे ग्रिल कर लेंगे चिकन को। आप ये इस स्टेज पर पैन में भी कर सकते हैं, पैन में भी फ्राई कर सकते हैं, इसको ग्रिल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे ताकि दोनों साइडों से चिकन कुक हो। चिकन को ग्रिल करते हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको पलट लेंगे। बहुत ही इजी तैयार हो जाती है ये रेसिपी। हम
मसालों का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल बेसिक मसाले यूज़ किए। इस तरीके से चिकन ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगा, इस तरीके से इसको काट लेंगे सबको, बिल्कुल जूसी चिकन बनेगा। हमने इसको सैलड के साथ सर्व किया है, मिक्स सैलड, क्यूकम्बर, लेटस और बीटरूट सैलड है, जो कि एक पूरा हेल्थी डिनर और लंच यूज़ कर सकते हैं आप जिसमें मर्जी।